तेरी खबर मौत की सुनके भाई भारत वीर उठे। 60 किलोमीटर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली इन रोडी विलेज, परमिंदर आर्या, हु सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 15 इयर्स, इज नाउ गिविंग हिज ब्रांड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग टू यंग हिंदूज। ग्राम ग्राम और नगर नगर से ले भले शमशीर उठे। हमारे बच्चे जो ISIS के गुर्गे हैं, आतंकवादी है, उनका वध इसी तरह से करेंगे जैसे रामचंद्र जी ने रावण वेघनाथ कुंभकर्ण का करा, और उनको यहीं पर ही मार करके यहीं दफनाएंगे। इसी तरह से हमारी जो प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ISIS के आतंकवादियों को हम समाप्त नहीं कर लेंगे। Chetna Sharma is the zonal commissioner of the Akhand Hindustan Morcha that helps people like Arya. She is an advocate by profession, and as a part of the Morcha, she manages and organizes the training of many young Hindus. She is preparing them to fight the Islamic State. बिना लड़े survival संभव नहीं है, और लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये पता हो कि स्थिति क्या है। उनको इतिहास पढ़ने के लिए कहते हैं, उनको इतिहास समझाते हैं, उसके बाद फिर हम उनको हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। हम फैमिलीज़ में जाकर भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और वो शारीरिक और मानसिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो बहुत बुरी स्थिति में मारे जाएंगे। ISIS ने जो 2020 तक का टारगेट रखा है हिंदुस्तान पे हमला करने का, यहाँ पे कब्जा करने का, हिंदुस्तान कोई रसगुल्ले की प्लेट तो है नहीं कि ISIS खा जाएगा। Regular school and college going kids from the age of 9 to 30 gather in Arya's courtyard every evening for a 2-hour training. हम वो इतिहास दोहराना नहीं चाहते, इसलिए हम इस लड़ाई की तैयारी करते हैं, ठीक है? Chetna is telling Shubhi about love jihad. Radical Hindus in western Uttar Pradesh call love jihad a conspiracy to push up the Muslim population. हमारे देश की लड़कियां जब कॉलेज जाते हैं तो वे उनके पीछे मुसलमान क्या कर रहा है लव में फंसा कर उनके साथ गुंडागर्दी कर देते हैं और मार देते हैं। In the name of love jihad, these groups have also given themselves a license to carry out moral policing. These videos are used to spread the message on social media. मुसलमान हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं, ठीक है? अपनी बहनों की रक्षा के लिए इस तलवार को उठाना बहुत जरूरी है। अपनी बहनों के लिए तलवार को उठाना अच्छा है। As we make our way out of the Rodi village, Chetna explains how her group reaches out to the youth. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग WhatsApp और Facebook वगैरह पर active रहते हैं। मेरे फ़ोन पर इस समय 100 ग्रुप हैं, मतलब एक मैसेज हम लोगों का लगभग 2-2.5 लाख लोगों पर पहुँच रहा है।